नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं काफी समय से मैं एक सेकंड पेयर ऑफ रेफरेंस मॉनिटर्स की वेट कर रहा हूं। मैं अपने मेन स्टूडियो के अंदर एडम A77X काफी सालों से यूज कर रहा हूं। आई हैव बीन अ ह्यूज एडम फैन और फाइनली मैं चाहता था A4V। जब से वो लॉन्च हुआ है हमेशा से मैं चाहता था कि हाँ मैं ये लूं, और इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने पोल भी रखी थी कि कौन से मॉनिटर्स मैं एक सेकंड पेयर ऑफ रेफरेंस के तौर पर लूं। तो पता नहीं कितने सारे मैसेज पे मैसेज आए, एडम 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 उसकी अनबॉक्सिंग बताइए, हम भी सोच रहे हैं लेने के लिए, उसके रिव्यू बताइए। फाइनली वो हमारे हाथ में आ चुका है, हम करेंगे जल्दी से अनबॉक्स और तकरीबन 20-30 दिन एक महीना में से इस्तेमाल करूंगा और प्रॉपर इसका जो रिव्यू होगा वो यूज करने के बाद ही मैं दूंगा। आज हम करने वाले अनबॉक्स और कोई ये पेड रिव्यू नहीं होने वाला है, एकदम जेन्युइन, एकदम ओरिजिनल, एकदम सच्चा रिव्यू आपके सामने होगा। करते हैं अनबॉक्स। सो फाइनली एडम A4V बॉक्स है हमारे सामने, जल्दी से करेंगे अनबॉक्स। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बॉक्स के टॉप पर एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है जो कि है 5 years वारंटी। ओपन, तो सबसे पहले हमें मिली है पावर कॉर्ड, ठीक है, उसके बाद कुछ पुस्तकें, बहुत बढ़िया, बड़ी हैवी पैकिंग है भाई साहब। सिर्फ पैकिंग ही नहीं, स्पीकर भी बहुत ज्यादा हैवी है। वाओ, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा भारी होगा। 4 इंच के स्पीकर के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत स्टर्डी है, मटेरियल बहुत ही सॉलिड लग रहा है और जो लुक्स हैं उसकी तो क्या ही बात है। आइए थोड़ा क्लोजली देखते हैं। बात करते हैं इसके फ्रंट की। जर्मन हैंडमेड प्रिसीजन XR ट्विटर विद रोटेटेबल SPS वेवगाइड, यानी कि ये चारों को आप खोलोगे और रोटेट कर सकते हो अगर आप स्लांट पोजीशन के अंदर रखना चाहते हो। 4 इंच का इसका वूफर है, पावर पीक 130 वॉट है और जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है वो है 52 हर्ट्ज से 45 किलो हर्ट्ज। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कॉम्पैक्ट। अगर आप एक छोटा बेडरूम के अंदर आपने स्टूडियो बनाया है, आप बेडरूम प्रोड्यूसर हैं, तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूंगा। दिखने में बहुत जबरदस्त है, रिव्यू ऑब्वियसली एक महीने के बाद आएगा। चलते हैं बैक साइड की तरफ। बात करते हैं हम रियर व्यू की। XLR केबल के साथ कनेक्टिविटी है, पावर कॉर्ड यहां से कनेक्ट हो जाएगी और वॉल्यूम जो है हमें स्विच यहां पर नॉब दी गई है। और जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं ये बहुत ही जबरदस्त सेक्शन है, DSP बेस्ड फंक्शनैलिटी जो रिमोटली कंट्रोल हो सकती है रियल टाइम में इथरनेट से यूजिंग अ कंट्रोल, तो यहां पर कनेक्ट होगा। एडवांस्ड करेक्शन होगी इंटीग्रेटेड सोनार वर्क्स साउंड ID रेफरेंस के साथ। सॉफ्टवेयर इसके साथ है और स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है कि किस तरह से इस पेयर को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं। दिखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कॉम्पैक्ट, बहुत ही सॉलिड और हैवी इसकी बिल्ड है। क्वालिटी बहुत प्रीमियम फिनिश आती है और साउंड जो है वो डेफिनेटली सुन के मैं एक महीने के अंदर आपको बताने वाला हूं कि क्या वाइब आती है। ओवरऑल अगर मैं इसकी बात करूं, एडम हमेशा से मैं इसका फैन रहा हूं। मेरे ईयर ट्रेनिंग में जैसे मैंने आपको बताया, एडम का बहुत 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 बड़ा रोल रहा है मेरी लाइफ में, डेफिनेटली ह्यूज एडम फैन। जल्दी मिलते हैं इसके रिव्यू के साथ।